इधर इधर से स्टार्ट करो, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करो, लेफ्ट टू राइट दोनों दोनों सेकंड रुक जा, ऋषि जी वापस लेफ्ट में थोड़ा इधर देखा ही नहीं मैडम, ऋषि जी सबको रोकना खिला आवे आवे ऋषि जी, ऋषि जी ये गिनती सा सम ऋषि जी आ पीछे लेना कृति जी एक लास्ट यहाँ पे, कृति जी एक लास्ट थैंक यू, ये जाना नहीं नीचे है, अरे इधर थोड़ा हाँ दिख रही है दादा कैमरा पीछे क्या करोगे बात करते हैं, थोड़ा देर हुआ उधर से आगे हुआ, चलो इंस्टाग्राम के लिए सदर हर बंदा जी लेफ्ट में दे दो मिनट फोटो ऐसा है क्या इधर देखा नहीं मैडम, देखिए इंस्टाग्राम के लिए ले भाई मत जाओ, जूम कर ले भाई, डांस मत कर भाई, चलो रेडी म्यूजिक म्यूजिक चलो वन टू वन टू वन पब्लिक आ गई, पब्लिक ऑलरेडी है, हाँ गुस्सा गुस्सा और गुस्सा तू कहाँ जा रही है, ना मेरे लिए गुस्सा, हाँ थैंक यू मैम इधर इधर मैम इधर थोड़ा लुक इधर मैम, ये अश्विनी है भाई ठीक है, दिया दो दो डबल हाँ ये वाला ये बना लाइट आ यही चाहिए था, अश्विनी बोल रहे हो बोलना चाहिए था ना, मतलब कोट मादम थैंक यू।
एक्चुअली पहली बार तो मेरे घर में शादी है, दिसंबर में मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है, तो मेरे को ऐसे लग रहा है मैं कॉस्ट्यूम रिहर्सल कर रही हूँ. बट आई थिंक जो भी मैंने इनकी कलेक्शन में देखा है, जैसे मैं जब कल भी आई थी, इन्होंने मुझे अपनी पूरी कलेक्शन दिखाई. सो आई टोल्ड हिम यू नो वी वर ऑल डिस्कसिंग, एंड मैंने रियलाइज़ करा इनके पास एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर द ब्राइड्स. हम लोग ठीक है ब्राइडल सीजन में सिर्फ ब्राइड्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं शादी उन लोगों से भी होती है जो आते हैं शादी पे. सो दे हैव दिस कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ दे मेक श्योर दैट देयर समथिंग फॉर द मदर ऑफ द ब्राइड, फॉर द सिस्टर ऑफ द ब्राइड, फॉर द फ्रेंड्स ऑफ द ब्राइड. तो एक्सपीरियंस भी एक अच्छा रहता है कि नॉर्मली क्या होता है, हम एक स्टोर में जाते हैं दुल्हन का लहंगा लेने, दूसरे स्टोर में जाते हैं बहन का लहंगा लेने, फिर माँ की साड़ी लेने कहीं और पहुँचते हैं. बट यहाँ पे सबको जब एक साथ मिलता है तो फिर खुद को ही लगता है कि हाँ चलो एक ही स्टोर में जाओ और ख़त्म करो काम, एंड इट्स एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. प्लस फिर तीनों साथ में खड़े होकर देख भी सकते हैं कि फोटोज़ कैसी आएंगी. यू कैन कलर कोऑर्डिनेट योर क्लोथ्स रियली वेल देन. No, absolutely. I mean, Kriti is so beautiful, so it always makes it much easier. So yeah, like for example, what she's wearing is from our latest collection, what she's unveiled as well. It's the Bride and Barat collection. So ye saal ka jo hamara wedding collection hai. So it's basically the collection, it's called Bride and Barat kyunki bride plus jo bhi shaadi mein aa raha hai un sab ke liye hai ye collection. So yahan par we focus not just on the main wedding day but also on the mehndi outfits, the cocktail outfits, the reception, sangeet, sare events ka. So what something like what she's wearing, she's looking stunning in it. And it's a little different, matlab regular dupatta ke jagah pe it's got a cape. That's the kind of style we do. We kind of create a fusion of Indian culture as well as the European touch to it. To wo sara kuch kuch hum mix karte hain, uska thoda ek heritage plus modernity ka ek fusion create karte hain. So this is something which is very apt to wear for a sangeet for the bride, or if you are a bride sister, you know, as she said, so this is lovely that you could wear at the wedding itself as well. So it's very different from a regular, but aisa nahi hai ki kuch ajeeb banaya hai ya kuch, matlab it stands out while making a statement itself. Yeah, baat kar like jaise bhi aapne shaadi ke baad मैं कह रही हूँ ना, मुझे इवेंट्स पे भी ऐसे बुलाते हैं आजकल, मैं शादियाँ ही अटेंड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. हम लोग यही कर रहे हैं, आई थिंक मेरी मैनेजर और मैं. इनफैक्ट अगली मूवी में मैं फिर दुल्हन बनी हूँ, तो कितनी बार दुल्हन बनेगी, जब तक अपनी शादी होगी पजामे एम्ब्रॉयडर कराएंगे. मैं भाग जाऊंगी एट द रेट आई एम गोइंग, मुझे ऐसे लगता है बस. बट शादियों का मज़ा कुछ और होता है. आई थिंक मुझे, आई डोंट नो अबाउट मैरिज, बट शादी एक्साइट्स मी, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ वेडिंग एक्साइट्स मी. तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, लड़कियों को सजने का बहाना चाहिए होता है यार. जी बहुत ही अच्छा मौका. तो ऑफ कोर्स आई मीन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ द फिल्म. बट मौका बहुत अच्छा मिला, बट ट्रेलर का रिस्पॉन्स जेन्यूनली बहुत अच्छा आया है, जनता से आया है, इनफैक्ट मीडिया से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर दैट, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए कि हम मीडिया को इम्प्रेस कर लें. बट वी वेरी हैप्पी, वी वेरी एक्साइटेड. द फिल्म इज़ कमिंग आउट ऑन द 31st, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप सब अच्छा जाए. No, we've only finished one schedule. I am leaving to Jaisalmer, Rajasthan, soon after the release of Yamla Pagla. So there I'm going away for a month. So let's see. Are you getting married in that also? In Houseful 4? You'll never know. Too soon to talk about the film. I'm not allowed to. You'll know once the trailer's out. Thank you so much. Thank you guys.